हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तोर और आज का रीकैप है स्नेक आईज G.I. जो ओरिजिन। मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी और उसके लड़के से, दोनों जंगल में वॉक कर रहा है तभी उनको परिंदों की आवाज आती है। वो पहले उन्हें इग्नोर करता है लेकिन उस रात पिता घबराते हुए अपने बच्चे को अपने पीछे बुलाता है और छुपने को कहता है। एक आदमी और कुछ गुंडे पिता को एक जोड़ी डाइस देकर रोल करने को कहता है। हारने पर मौत और जीतने पर जिंदगी का चॉइस देता है। पिता हार जाता है और अपने मरने का इंतजार करता है तभी उनका लड़का भागते हुए उन्हें अपने फादर को बचाने निकलता है। असैसिन के हाथों से गन गिराता है और वहां से भाग निकलता है। फादर को गोली जाती है। अगले सीन में कैच फाइट के विनर स्नेक आईज से एक इंसान केंता मिलता है। उसे अपने साथ काम करने के बदले पिता के मर्डर को ढूंढने में मदद करने का ऑफर देता है और पहले एलए के डॉक से काम शुरू करने को कहता है। स्नेक आईज फिशिंग डॉक में पहुंचता है और मछलियों के अंदर बंदूकें भर रहा होता है तभी एक याकुजा मेंबर अरास्का के जासूस होने की खबर बॉस केंता को पता चलता है। जासूस टोमी को मारने का जिम्मेदारी स्नेक आईज को दिया जाता है। स्नेक आईज टोमी को मारने के बजाय याकुजा से लड़कर टोमी की जान बचाता है। टोमी स्नेक आईज को अपने जान बचाने के बदले अपने फैमिली अरास्का में शामिल करने के लिए टोक्यो ले जाता है। हमें पता चलता है टोमी अरास्कागे और याकुजा लीडर केंता कजिन्स थे और अरास्कागे क्लैन के फ्यूचर लीडर्स भी, पर टोमी को क्लैन लीड करने के लिए चुना गया। इस बात से परेशान होकर केंता टोमी को मारना चाहा पर टोमी उसे जापान और अरास्कागे क्लैन से बैनिश कर दिया। तब से केंता अरास्कागे को खत्म कर देना चाहता है। वहां टोक्यो में अरास्कागे फैमिली के मैट्रियार्क टोमी के फैसले को मानने से पहले 3 चैलेंजेस पूरी करने पर स्नेक आईज को क्लैन में शामिल करने की ऑफर देती है। अकीको चीफ ऑफ सिक्योरिटी इस फैसले से खुश नहीं होती है। टोमी अरास्कागे उसे बताता है कि वो क्लैन की फ्यूचर लीडर है और वो डिसाइड करता है कि कौन क्लैन में शामिल होगा और कौन नहीं। स्नेक आईज की पहली चैलेंज में उसे हार्ड मास्टर के हाथों से पानी भरा हुआ बॉल एक्सचेंज करने को कहता है। 2 अनसक्सेसफुल ट्राइज के बाद वो हार्ड मास्टर से अपने बॉल के बदले उसके हाथों का बॉल मांग लेता है। अगले सीन में स्नेक आईज बाइक लेकर केंटा से मिलने जाता है। स्नेक आईज केंटा के लिए काम कर रहा है अपने पिता के मर्डर की जानकारी के बदले। केंटा स्नेक आईज के क्लैन में शामिल होने से बहुत खुश है। केंटा स्नेक आईज से ज्वेल ऑफ द सन जो अरास्का के क्लैन के पावरफुल स्टोन है और उस क्लैन के पैलेस में सेफली रखा हुआ है वो चुराने को कहता है। स्नेक आईज जैसे पैलेस अकीको उसे देख लेता है और उस पर शक करने लगती है। अगली सुबह टोमी स्नेक आईज को पहली चैलेंज में कामयाबी पाने पर टोपे में एक तलवार मॉर्निंग लाइट देता है। फिर स्नेक आईज ज्वेल ऑफ द सन चुराने के लिए रिकॉन्सेंस सर्वे करता है तभी अकीको उसे देख लेती है और स्वॉर्ड फाइट ट्रेनिंग के लिए बुलाती है। रात के समय तीनों केंता की प्लेन जो जापान में इलीगली गन ट्रैफिक कर रहा है उसे रोकने के लिए निकलता है। फिर एक शानदार स्वॉर्ड फाइट होती है जिसमें स्नेक आईज केंता की जान बचाता है और केंता वहां से बच निकलता है। टोमी केंता की जापान वापस आने की खबर जो ग्लोबल एंटी टेररिस्ट ग्रुप के लिए काम करती है उसे बताता है। स्कारलेट केंता और कोबरा क्लैन के अलायंस और अनधिकृत टोक्यो में लैंड करने के बाद जिक्र करते हैं। उस रात स्नेक आईज फिर केंटा से मिलने निकलता है पर इस बार अकी को उसका पीछा करती है। स्नेक उसे चकमा देकर कोबरा से मिलने पहुंच जाता है। वहां स्नेक आईज सर्विस के लिए काम नहीं करना चाहता पर उसे अपने पिता के मौत के बदले का लालच देकर उसे चोरी करने को मना लेता है। उधर पैलेस में सेकंड चैलेंज के लिए उसे ग्लो लाइट के पीछे जाने को कहता है। फिर एक फ्लैशबैक में उसे अपने पिता की मौत का एपिसोड दिखता है। वो अरास्का की वेपन रिसर्च फैसिलिटी में पहुंच जाता है और मोशन डिटेक्टर में डिटेक्ट होने पर अकी को भागकर उसके कमरे पहुंच जाती है। स्नेक आईज के रूम में होने पर हैरान होकर उसके पीछा करने बात कन्फेस करती है और पूछती है कि वो सिटी में जाकर किससे मिलता है। स्नेक आईज उसकी ट्रस्ट जीतने के लिए अपने फादर के मौत के बारे में बताता है। अकीको उसे नेक्स्ट चैलेंज के लिए अपने मन साफ करने का एडवाइस देती है। अगले चैलेंज में उसे एक पिट में भेजा जाता है जहां 3 बड़े एनाकोंडा मन साफ नहीं होने पर स्नेक आईज को खाना चाहता है। अकीको उसका जान बचाती है। चैलेंज फेल होने पर उसे क्लैन से निकाला जाता है। स्नेक आईज जाने से पहले टोमी से चैलेंज फेल होने के लिए माफी मांगता है और ब्लड आउट देकर अपनी शर्मिंदगी जताता है। उस रात वो पैलेस लौटकर हैंकरचीफ में लगे टोमी के ब्लड से ज्वेल चुरा लेता है पर अकीको उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। ये पता लगने पर टोमी स्नेक आईज को मारने का कसम लेता है। स्नेक आईज पिता के मर्डर के बदले में ज्वेल केंटा के नाम कर देता है। जैसे मर्डर को मारने वाला होता है तो ये पता लगता है केंटा और कोबरा क्लैन के कहने पर उसके फादर को मारा गया। स्नेक आईज मर्डर का जान बख्श देता है। केंटा के पीछे भागता है और उसके पीछे टोमी निकलता है। केंटा ज्वेल की मदद से अरास्का के पैलेस में तबाही मचाता है। अकीको टोमी से स्नेक आईज अरास्का के लिए लड़ने का बात कहकर उसकी मदद करती है। टोमी फिर भी स्नेक को मारना चाहता है पर उसके क्लैन पैलेस का हालत बताकर उसके साथ लड़ने को मना लेता है। पैलेस में केंटा के खिलाफ सब खड़ा हो जाता है। उसके धोखे से अनधिकृत खोपड़ी भी टेम्परेरली अरास्का के साथ देती है। टोमी केंटा से ज्वेल छीनकर उसे मारने की कोशिश करता है पर केंटा बच निकलता है। अरास्का के मैट्रियार्क उससे ज्वेल ले लेती है। केंटा के पीछे स्नेक भागता है और दोनों लड़ते लड़ते पिट में गिर जाता है। वहां एनाकोंडा केंटा को निगल लेता है और स्नेक को छोड़ देता है। ज्वेल के इस्तेमाल की वजह से सालों पुराने ओथ को तोड़ने के लिए मैट्रियार्क टोमी को लीडर नहीं बनाने का फैसला करता है और टोमी गुस्से में क्लैन छोड़कर निकल जाता है। स्नेक आईज को अरास्का के क्लैन प्रोटेक्टर बनाकर एक सूट दिया जाता है। वो टोमी अरास्का को वापस क्लैन में लाने के निकल जाता है। प्लेन में टोमी से अनधिकृत कोबरा क्लैन ज्वाइन करने को कहती है। टोमी अपना नाम स्टॉर्म शैडो बताता है और मूवी खत्म हो जाती है। मेरा नाम है तोर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर पसंद नहीं आई हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस।